मनावर और बाकानेर प्रेस क्लब, परख साहित्य मंच, कौमी एकता कमेटी, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के संयुक्त तत्वावधान में खेड़ापति हनुमान मंदिर बाकानेर में फलदार और खुशबूदार पुष्प के पौधे लगाए गए। कोरोना संक्रमण काल के बाद पर्यावरण के महत्व को आम मानव को समझाने के लिए और पेड़ पौधों के महत्व के प्रति सबको जागरूक करने के लिए मनावर और बाकानेर प्रेस क्लब, बाकानेर कौमी एकता कमेटी, परख साहित्य मंच, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के संयुक्त आयोजन में मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। जयेश मीडिया प्रभारी और विधायक मनावर मीडिया प्रभारी मयंक साधु। क्या आयोजन था आज बाकानेर सिद्ध क्षेत्र खेड़ापति सरकार में? आज पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। पौधे जो कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कोरोना जैसी महामारी में प्रतिरोधक क्षमता आज जो आवश्यक है उसके लिए एक शक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए स्वास्थ्य लाभ और एक अच्छे शुद्ध वातावरण को देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पे पौधे लगाए। और हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और इस प्रकार के पौधारोपण के कार्यक्रम पुण्यतिथि या जन्मतिथि किसी की हो उस पर लगाते रहें। धन्यवाद। राधेश्याम मुयल, वाइस चेयरमैन मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस। खेड़ापति सरकार बाकानेर सिद्ध क्षेत्र में क्या आयोजन किया गया? प्रेस क्लब बाकानेर और मनावर के तत्वाधान में आज पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ के महंत जी उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण मुख्यतः हमारा पर्यावरण को ध्यान में रखते किया गया ताकि कोरोना जैसी महामारी आए भी तो हम उससे लड़ सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।